गूगल में भी सब गड़बड़ है। अभी सीजन में फल आया है बट काफी छोटे हैं अभी। यार आज ये जीपीएस सब जगह गलत लेके जा रहा है क्या? ये क्या होता है? पाइन का क्या है? फ्लावर है, फ्रूट है, क्या है ये? सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। दिस इज डे टू ऑफ आवर नेतार हाट ट्रिप। सो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6 बजे एंड सुबह उठने का रीज़न सनराइज़ देखने के लिए। तो इससे पहले मैं उठा था लगभग 5 बजे, बट पूरा पहाड़, अब ये देख, ये पूरा पहाड़ कोहरे से भरा हुआ था। आई थॉट कि कल जैसे सनसेट पॉइंट पे हुआ, बादल की वजह से मुझे हमें लौटना पड़ा, वैसे ही मैंने सोचा कि आज फिर से सनराइज़ के समय भी वापस से सोना पड़ेगा। सो मैं सो गया आधे घंटे के लिए अभी, और फिर जब उठा तो पूरा आसमान, अभी आसमान नहीं बट पहाड़ पूरा क्लियर था, कोहरा छट चुका था। बट अभी भी सनराइज़ के लिए भी अभी कुछ उम्मीद मुझे बहुत कम ही लग रहा है, क्योंकि रोशनी आप देख ही रहे हो चुका है, काफ़ी रोशनी है अभी, बट वो जो एक रेडनेस होती है आसमान में वो गायब है। अभी 5 मिनट पहले कोई भी नहीं था, अभी आई नहीं, ये नीचे देखो ये गाड़ियाँ अभी तुरंत इंटर हुई हैं। कुछ लोग वही टाइम स्लॉट लेके आते हैं, सनराइज वाला या सनसेट वाला, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। सो होप फॉर द बेस्ट। इतना तो मैं सोच के आया था कि मे बी सनराइज और सनसेट देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अंदर क्लाउडी भी है और बारिश भी हुई है पिछले कई दिनों में। किसी भी हिल स्टेशन जाते हो तो हिल स्टेशन का अपना ही एक वेदर पैटर्न है, वो कभी भी कुछ भी, कभी सनी, कभी रेनी, कभी क्लाउडी, तो ये चलता रहता है। तो वो लक मैटर करता है उस समय कि उस पॉइंट पे सनराइज आपने विटनेस कर लिया। सनराइज सनसेट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ नेतार हट, बट यहाँ पे बहुत कुछ है घूमने को। सनराइज तो नहीं पर इस मोमेंट पे अपने चाय को एंजॉय करते हैं, तो सुबह की चाय ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्लाउडी है, तो ये देखो बूंदा बांदी है, तो थोड़ी देर में मे बी क्लियर भी हो जाए। तो रेडी होके रहते हैं और उसके बाद बारिश नहीं होती है तो फिर निकल जाएंगे हम लोग। सो दिस इज़ आवर ब्रेकफास्ट फॉर डे टू। ये आलू पराठा, वेज सैंडविच, सैंडविच थोड़ा हालत ठीक नहीं दिख रहा, और ये कॉफ़ी। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स नाशपाती गार्डन। पहले जीपीएस मैंने लगा दिया है, 4.6 किलोमीटर। बड़ा अच्छा सा टेम्परेचर है अभी, ऐसा लग रहा है जैसे अभी फेब्रवरी मंथ हो, टेम्परेचर वैसा एक ठंडे के हवा में अलग सा। एक ही स्ट्रेच में सारे, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर होते हैं यहाँ पे। तो पहले गार्डन चलेंगे, फिर वहाँ से रिटर्न में एक एक पॉइंट करके कवर करेंगे, जो कि नाशपाती गार्डन है, फिर अपर घाघरी और नेतारहाट लेक। नेतारहाट लेक तो ये रहा, बट इसका रूट पता नहीं किधर से है, वो भी डालना होगा जीपीएस में ही शो करेगा, क्योंकि दिखता तो पास में है, शायद पास में पर है नहीं ये। यहाँ से सनसेट पॉइंट के लिए कल हमने वो रूट लिया था। गांव वाले एरिया में यार बहुत संभल कर चलना पड़ता है, मुर्गी बकरी रोड पर ही आ जाते हैं, अगर इन्हें कुछ हो गया गलती से तो आसपास वाले छोड़ेंगे नहीं। वो पाइन फॉरेस्ट वाला रास्ता और सनसेट पॉइंट वाला वो काफ़ी सही रास्ता है। लोकेशन में यही दिखा रहा है। तो दिन भर आप परेशान रहते होंगे फिर।
ये गूगल में भी सब गड़बड़ है, जीपीएस का कमाल। ये वॉरफेयर स्कूल है उसमें वो इंटर करा रहा था। ये रहा नाशपाती बगान, हाँ इसमें एंट्री मिल सकता है क्योंकि इसमें कोई बैरिकेड नहीं है। और वह नाशपाती आया हुआ है, इसमें पूरा नाशपाती भरा हुआ है। तो गलत रास्ता बताने के बाद भी, लोकल से पूछने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं नाशपाती बगान, जो नाशपाती गार्डन भी बड़ा ये गार्डन है। और ये जैसे एक पैच में ये हो गया रोड के इस साइड एक पैच, और एक पैच रोड के इस तरफ। तो वैसे ही पैच में बहुत सारे जगह, ये दूर दिख रहा है ये और ये भी नाशपाती के ही पेड़ है, एक पूरा गार्डन है। लोग तो है ही नहीं, कोई भी लोग नहीं है, ना घूमने वाले टूरिस्ट हैं ना लोकल है। अगर कोई लोकल भी होता तो परमिशन लेके एक आध नाशपाती तोड़ते, बट तोड़ना ऐसा सही नहीं है। अभी सीजन में फल आया है बट काफी छोटे हैं अभी। ये पूरा नाशपाती, पूरा नाशपाती बगान है ये। हाँ पाइन फॉरेस्ट, हम लोग पाइन फॉरेस्ट जाने वाले थे, पर यहाँ पे ऐसे भी जगह जगह पे पाइन ट्रीज है। तो ये क्या होता है पाइन का, क्या है, फ्लावर है, फ्रूट है, क्या है ये, जो भी है पर अच्छा है। इसको रखेंगे कहाँ हम लोग, हाँ डेकोरेशन में तो यूज हो जाएगा, कीड़ा भी है इसमें। ड्रोन उड़ाई क्या यहाँ किनारे करते हैं। चलते हैं दूसरे लोकेशन पे, पियर्स गार्डन के बाद निकल चुके हैं हम लोग नेतरहाट रेजिडेंशियल स्कूल की तरफ। ओ भाई रोड पे क्यों सोया हुआ है, ये ओरिजिनल पिया है एकदम। यार आज ये जीपीएस सब जगह गलत लेके जा रहा है क्या, कोयल व्यू पॉइंट में भी ये जीपीएस गलत दिखा रहा था जिसके वजह से रिटर्न आ गए। यार इस गूगल के शॉर्टकट में ना, तो ये है नेतरहाट रेजिडेंशियल स्कूल, एंट्री तो मिलेगी नहीं। वैसे अंदर बहुत खूबसूरत है ये स्कूल, बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है, बहुत पुराना है। पहले अलाउ करते थे एंट्री बट अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं कोविड के बाद से, तो अंदर जाना तो पॉसिबल नहीं है, तो यहीं से लौटना होगा। तो कुछ फोटोग्राफी कर लिया हमने, ड्रोन शॉट ले लिया। वैसे ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स हमने घूम लिए, बस दो प्लेसेस छोड़ा है जो कि एक है कोयल व्यू पॉइंट और दूसरा है अपर घाघरी। अपर घाघरी फॉल नेक्स्ट टाइम और कर लेंगे कभी, क्योंकि अभी समर है तो वैसे भी वाटरफॉल्स में पानी कम है तो मानसून में उसको कवर करेंगे। और जो कोयल व्यू पॉइंट है वहाँ जाने का मन था पर जीपीएस की वजह से हम खो गए, कुछ दूर गए पर वो रास्ता एंड नहीं हो रहा है। 1 किलोमीटर का जीपीएस शो कर रहा है 1 किलोमीटर, पर वो नेवर एंडिंग वाला सीन हो रहा है।
तो हमने मारे यू टर्न और आगे सीधा नेतरहाट रेजिडेंशियल स्कूल। कोई बात नहीं, कहीं जाओ सब कुछ पूरा नहीं होता है, हर जगह आप नहीं कवर कर सकते। तो मिलते हैं फिर, हाँ शाम को निकलेंगे, शाम को घूमेंगे। छोटा सा प्लेग्राउंड दिया गया है यहाँ पे। ये रास्ता ऐसे गोल घूमकर पूरा होटल के चारों ओर और इधर से वापस आता है। अभी ज़्यादा कोई जगह बचा है नहीं यहाँ पे घूमने के लिए, तो हम लोग बस एक इवनिंग वॉक कर रहे हैं, और इवनिंग वॉक करेंगे, बैठेंगे, वापस चले जाएंगे, और कल के मॉर्निंग हम लोग निकलेंगे यहाँ से रांची के लिए। ये क्या कर रहे हैं? बॉडी बिल्डिंग हो रही है, मस्ती हो रहा है। वाह, मन भर गया। क्या करने लग गए? हेलो, तो यूज करना है ना, कोई यूज नहीं करने वाला यहाँ पे। हाँ, ये डर लग रहा है कि टूट ना जाए मेरे वजन से। गाड़ी लोड हो चुकी है और टाइम हो रहा है अप्रॉक्स 10:23, तो लगभग 10:30 बजे यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। मज़ा आया, इट वॉज नाइस स्टे। तो शुरू करते हैं अपनी नए दिन की नई शुरुआत। जय माता दी, हर हर महादेव, मेरी जर्नी सक्सेसफुल हो और आप सभी घर बैठे जो देख रहे हैं उनका दिन शुभ हो। एक मेरे GoPro में बस 40% बैटरी बची है, मुझे लगा कि फुल चार्ज है। कोई बात नहीं, जब तक चलेगी ये बैटरी तब तक चलेगी, फिर लगाएंगे। हम लोग आए थे बेड़ो हो करके रांची की तरफ से, रांची देन बेड़ो, लोहरदगा, घाघरा एंड देन नेतरहाट, और जाएंगे अभी दूसरे रूट से। ये रूट 10 से 15 किलोमीटर अप्रॉक्स ये रूट लंबा पड़ेगा, बट रास्ता उधर ठीक है। धन्यवाद, कृपया पुनः पधारे, श्योर। तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। होटल के बारे में बताऊं तो होटल अच्छा है, रूम्स बड़े हैं, वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, व्यू बहुत अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छा है होटल का। इम्प्रूवमेंट की बात करूं तो थोड़ा हाइजीन अगर अच्छा हो, थोड़ा साफ़ सफाई ठीक रहे, तो मुझे लगता है कि लोग ज़्यादातर इसी होटल में ठहरना पसंद करेंगे, क्योंकि आसपास और भी होटल हैं जो कि प्राइवेट है, पर उनकी रेट्स इनसे ऑलमोस्ट 1500 से 2000 रुपए ज़्यादा है। अगर आप सेम रूम कंपेयर करते हो, तो एक अच्छा रूम, प्रीमियम रूम कंपेयर करते हो, तो इनसे 1500 से 2000 रुपए ज़्यादा हैं। दूसरी बात ये कि लोकेशन, इससे बेस्ट लोकेशन किसी होटल का नहीं है भाई। ट्रक्स वाले आँख बंद करके आते हैं यार, बस बंदरों से सावधान रहना भाई। अगर आप फोटोग्राफी करते हो तो फ़ोन वोन संभाल के, वरना अगली सेल्फी बंदर की आएगी उसमें। अभी हम लोग पहुंचे हैं घाघरा, घाघरा से लोहरदगा अभी रूट पे हैं। अगर दोस्तों का ग्रुप है लड़कों का, तो वो रात को ही निकल जाते हैं, और
अर्ली मॉर्निंग 5 बजे यहाँ पे पहुँच जाते हैं, सनराइज देख लेते हैं दिन में, फिर घूम लेते हैं, शाम को सनसेट देखकर शाम को ही निकल जाते हैं। पर स्टे करने का प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो जिन्हें स्टे नहीं करना है वो वैसे भी कर सकते हैं। जाते वक्त जितना मौसम सुहाना था, लौटते वक्त उतना ही ऑपोजिट है। ह्यूमिडिटी भी है टेम्परेचर के साथ साथ, तो ह्यूमिडिटी की वजह से वो ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। सिर्फ गर्मी, अगर ड्राई गर्मी है तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ज़्यादा। पार्टी का मज़ा पूरा रास्ते में, पूरा एंजॉय चल रहा भाई। अपने अपने तरीके हैं मज़े करने के, उन्हें रास्ते में डीजे बजाने का और मुझे उसी रास्ते पे अपनी बाइक चलाने का। तो शौक हर तरफ से पूरे होते हैं। रांची से नेतरहाट भाई रास्ता बढ़िया है, भी अचानक मेरी नज़र बाइक के एवरेज पे गई इस ट्रिप के, जो अभी दे रही है 31.7 किलोमीटर पर लीटर, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है भाई। इतना उम्मीद तो नहीं करते आप, बट सिटी में अब तक ये 24 दे रही थी, लेकिन 31.7 बहुत सही है। अरे वाह, गन्ने का जूस दिखा, ये पी सकते हैं। हाँ, यहाँ लेते हैं एक स्टॉप। तो आप सब बस ये शॉट एंजॉय करो। It was a very lovely trip, छोटा और अच्छा। तो भाई अगर आपको ये ट्रिप, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यार सब्सक्राइब करना ही इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं आपसे किसी अच्छे से नेक्स्ट ट्रिप पे, और उसके पहले भी मिल सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं नेक्स्ट ट्रिप पे ही मिले, उसके पहले भी मिल जाएंगे, इसमें क्या है। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, टेक केयर।